हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। एंड अभी हम जो ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। जो 12th क्लास की डिमांड थी कि सर कोर्स लाइए, क्रैश कोर्स लाइए, हमने लॉकडाउन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए हम बेसिकली थोड़ा सा कोर्स का आइडिया दे देते हैं सबसे पहले कि हम इसमें करवाने क्या वाले हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स जो है आपका, इसमें जो है हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, नंबर वन फिजिक्स, नंबर टू मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट हमारे साइंस के कवर होंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो सारा कुछ तो नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जो हम पढ़ाएंगे वो सब इम्पॉर्टेंट होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे इस कोर्स को व्यू करता है, देखता है यूट्यूब पर, तो ये गारंटी है कि एटलीस्ट 85+ स्कोर करेगा बोर्ड एग्जाम में, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से प्रिपेयर किया है कि सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यहीं से आपके फंस जाएं। सारे टॉपिक्स में डीपली हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, केवल और केवल उन्हीं टॉपिक्स को लिया जाएगा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स। बाकी फैकल्टीज भी अपना पोर्शन स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद द फिजिक्स। और फिजिक्स में आप सभी जानते हो सबसे पहला चैप्टर है मेरा, एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, उसमें चैप्टर का नाम है हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट आपका, अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो यहां पर जो इस चैप्टर से आने वाला है वो समवेयर अराउंड 5 to 7 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, वो टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे आपके मार्क्स कवर अप हो जाएं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है कूलम्स लॉ से, जो बहुत बेसिक टॉपिक है और ये सभी स्टूडेंट्स को पता होना कंपलसरी है। तो क्या है कूलम्स लॉ? पहली चीज, ये जो लॉ है इसकी मैं बात करने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अभी पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ठीक है, मतलब जो हम चार्जेस लेंगे यहाँ पर, ये कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अगर हमारा चार्ज कंटिन्यू है तो फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इस लॉ को, देन हम अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये है क्या लॉ। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, मे बी आई कैन टेक R, और इनके बीच जो मीडियम है ये अभी फिलहाल में ये मान के चल रहा हूँ कि ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं दोनों चार्जेस। ठीक है, तो कूलम्ब ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो फोर्स लगेगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप कंबाइंड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे मॉड साइन लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो साइन हमें नहीं लेना है, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का पता चलेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे देखना है। अच्छा, यहाँ से आपको पता है कि जब आप इस साइन को हटाते हो तो क्या आ जाता है? प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ जाता है। लेट सपोज इट इज के एंड दिस बिकम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा जिससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। रिमेंबर दीज चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन में ये अप्लाई हो जाएगा बट थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ठीक है, वो बताऊंगा जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, अब ये के क्या है? ये के हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है जो डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है। ठीक है, अब मान लो सपोज अभी मैंने फ्री स्पेस लिया है, तो उसके लिए जो के होता है फॉर फ्री स्पेस,
जो के होता है इट इज 1/4πε0, राइट। और इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, 9×10⁻¹। और यहां से आप यूनिट इजीली निकाल सकते हो, क्या निकल के आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हमारी के की वैल्यू है फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम इसको यहां रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास एक फॉर्मूला मिला विच 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो हमने पढ़ा है कि फ्री स्पेस में दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हम इस फॉर्मूले से इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अब अगर मान लो कोई मीडियम है, फॉर एनी मीडियम चार्जेस हमारे किसी मीडियम में रखे हुए हैं, सो लेट अस सपोज ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये डिस्टेंस वही है सेम r, और दोनों के बीच में कोई भी मीडियम है अपार्ट फ्रॉम फ्री स्पेस, फ्री स्पेस है वैक्यूम नहीं है, उसके अलावा कोई अनदर मीडियम है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, ये सेम फॉर्मूला आएगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा वो मैं बता देता हूं आपको, 1/4πε0। सो 1/4πε0 Q1 mod Q2 mod अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमारे फ्री स्पेस में था ही, अब इसमें चेंज क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो ε0, इस ε0 की जगह क्या आ जाएगा, इस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। अभी ये जो ε0 है, ये जो ε0 है ये किसकी परमिटिविटी है, ये है फ्री स्पेस की परमिटिविटी। लेकिन जब हम यहां पर किसी मीडियम को लेंगे तो इस ε0 की जगह क्या आ जाएगा, उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। सो फाइनली अब हमारे पास क्या बनेगा, ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। अच्छा, इस मीडियम की परमिटिविटी को हम रिलेट कर देते हैं किससे, फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। कैसे रिलेट करोगे, वो एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो मैंने यहां पर K लिया हुआ है, ये K क्या है, K इज बेसिकली डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट विच इज डिफाइंड एज εm/εo, क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कहां पर, मीडियम के लिए। तो आई होप कि कूलाम्स लॉ आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसके लिए इसका साइन कन्वेंशन भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर साइन कन्वेंशन किस तरह से लेना है, क्योंकि ये तो मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपको बता दिया, कूलाम्स लॉ अप्लाई करना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि साइन कन्वेंशन क्या लेना है, तो साइन कन्वेंशन के लिए हमें क्या करना है कि अगर हमारे दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या फिर दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, तो आपको पता है कि जो फोर्स होगा ये कैसा होगा, ये फोर्स होगा हमारा रिपल्सिव, क्लियर। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स जो होगा ये कैसा होगा, ये फोर्स होगा अट्रैक्टिव, ठीक है। मींस कि अगर मेरे पास ये दो चार्जेस हैं, लेट अस सपोज +Q1 and +Q2, तो अब ये वाला जो चार्ज है ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। लेट अस सपोज इसने अप्लाई किया F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन मैंने यहां लिख दिया, और इसने अप्लाई किया ये फोर्स वो इधर लगाएगा, वो कितना होगा F12, क्लियर। तो ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं बिकॉज दोनों का नेचर क्या है, सेम है। और अगर यहीं पर ये चार्जेस हमारे दोनों क्या होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, लेट सपोज एक है +Q1 और दूसरा है -Q2, तब क्या होता है कि ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ठीक है, मींस इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है F21, और ये वाला चार्ज इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, मींस ये क्या हो जाता है F12। तो ये हमारा डायरेक्शन है जो आपको प्लस माइनस साइन से पता चल जाएगा इजिली कि डायरेक्शन फोर्स की क्या होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई अब तो अभी हमने दो चार्जेस की वजह से बात करी, अब अगर मान लो हमारे पास मल्टीपल चार्जेस है, सपोज हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं,
तब कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें पढ़ना है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक चार्ज है ये, इसको मैं मान लेता हूं क्यू जीरो, और इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। सपोज ये है क्यू वन, यहां पर है क्यू टू, यहां पर है क्यू थ्री, और यहां पर है क्यू फोर, एंड सो ऑन, ठीक है। मैं ये मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये होगी सपोज आर जीरो वन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी आर जीरो टू, ये वाला डिस्टेंस हो गया कितना आर जीरो फोर, ये क्यू फोर चार्ज है, और ये डिस्टेंस हो गया सपोज आर जीरो थ्री। तो अब इस वाले चार्ज पर टोटल फोर्स, नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस चार्ज पर लगने वाले जितने भी अदर चार्जेस की वजह से फोर्सेस हैं सबको कैलकुलेट करेंगे और उनका हम वेक्टर सम ले लेंगे। मींस कि जो नेट फोर्स आएगा इस चार्ज के ऊपर ये क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू फोर्स बिकॉज ऑफ टू चार्ज और वन चार्ज एंड थ्री चार्ज एंड फोर चार्ज, मतलब एफ जीरो वन प्लस एफ जीरो टू प्लस एफ जीरो थ्री प्लस एफ जीरो फोर। अभी मैंने चार चार्जेस लिए तो ये सारे फोर्सेस हमने लिख लिए यहां पर, क्या एफ जीरो वन क्या है, फोर्स ऑन क्यू जीरो बिकॉज ऑफ क्यू वन, अच्छा एफ जीरो टू क्या है, फोर्स ऑन क्यू जीरो बिकॉज ऑफ क्यू टू, एफ जीरो थ्री क्या है, फोर्स ऑन जीरो चार्ज बिकॉज ऑफ क्यू थ्री, और इन सबका अगर हम वेक्टर सम ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टोटल फोर्स आ जाएगा। ध्यान रखना ये सम डायरेक्ट सम नहीं है, वेक्टर सम लेना है। इसके क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आएगा कि ये वेक्टर सम करेंगे कैसे, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना समझ के चलो कि जब भी आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं तो मल्टीपल चार्जेस के लिए क्या करना है, सभी की वजह से आप फोर्स निकाल लो, और फोर्स निकाल के आप उनका डायरेक्ट सम नहीं करना है, आपको जो है वेक्टर सम करना है। ध्यान रखना ये ध्यान हमेशा रखना, डायरेक्ट ऐड कर दोगे विदाउट एनी डायरेक्शन तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स बिकॉज ऑफ मल्टीपल चार्जेस, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि भाई जब भी कोई चार्ज होता है तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेवलप हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही होगा, अगर उस रीजन से बाहर चले जाओगे तो वो इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, फाइन। तो ये जो रीजन है किसी भी चार्ज के अराउंड, लेट सपोज ये हमारे पास क्यू चार्ज है, तो इसके अराउंड का जो भी आपका रीजन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी स्ट्रेंथ हो सकती है इसकी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ क्यू, ये जो आसपास का जो रीजन है यही रीजन हमारा क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस रीजन की स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी कितनी कैपेसिटी होगी, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के लिए किस तरह से फील्ड जनरेट होगा, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमारे पास ये अभी प्लस क्यू चार्ज है, और इसकी वजह से मैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, और ये पॉइंट है मेरा, सपोज मैं कुछ नाम दे देता हूं पी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक क्या है आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से डिफाइन किया गया है, ई इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन दैट पॉइंट। अब यहां पर फोर्स किसके ऊपर लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट सपोज यहां पर टेस्ट चार्ज है कोई क्यू नॉट, और ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है, इसकी वैल्यू एज पॉसिबल एज स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये इसके फील्ड को इफेक्ट कर देगा, तो एग्जैक्ट जो फील्ड आप पता करने वाले हो वो आपको यहां पर नहीं मिलेगा, फाइन। तो क्या होगा कि फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, कौन सा टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट, यहां पर मैंने क्यू नॉट माना है, अपॉन ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है इससे डिवाइड कर देना है आपने दिस। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला। अब डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के कॉन्सेप्ट होंगे यहां पर, तो उनके लिए अभी हम निकालेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे डिफाइन कर देते हैं। तो अगर वेक्टर फॉर्म में मुझे ई को डिफाइन करना, तो फोर्स ऑन दिस चार्ज हो जाएगा,
लेट अस सपोज इट इज एफ, यहां पर एफ फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो ये एफ अपॉन दिस क्यू नॉट, प्रोवाइडेड दिस क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल, क्यू नॉट इज ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो, इट मींस इट इज वेरी वेरी स्मॉल, देन आप ये फॉर्मूला इजीली लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर अगर मान लो कि मैंने बोला भाई ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है आर, अब ये जो डिस्टेंस है इसके टर्म में अगर आप फोर्स निकालो तो कितना आएगा, यहां पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, कितना फोर्स आएगा, एफ इज इक्वल टू, अभी अप्लाई किया था हमने कूलम्स लॉ, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे वो क्या आ जाएगा हमारा इस फॉर्मूले से, इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, अब ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है पॉइंट चार्ज की वजह से। अब इसका कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है कि भाई ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा, अगर हम ई वर्सेस आर को प्लॉट करें, ई वर्सेस आर को प्लॉट करते हैं तो किस तरह का ग्राफ आएगा, तो आपको पता है कि ई डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर, वो भी इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, इट मींस इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, इसकी वैल्यू जो है आर जैसे जैसे इंक्रीज होगा कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज, एंड अब हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट, हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, तो अगला टॉपिक हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, अगेन अब बहुत सारे चार्जेस अगर होंगे तो कैसे आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन आ जाता है कि अभी जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही चार्ज हो या दो चार्जेस हो, देयर शुड बी लॉट ऑफ चार्जेस, दो चार्ज है, आठ दस कितने भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एकदम सिमिलर एनालॉजी यूज करनी है जो मैंने कूलम्स लॉ में यूज की थी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एक चार्ज है मेरे पास क्यू वन, एक चार्ज है मेरे पास क्यू टू, एक चार्ज है मेरे पास सपोज मे बी क्यू थ्री, एक है क्यू फोर, और एक पॉइंट है मेरे पास यहां पर, और ये पॉइंट मैं नाम दे देता हूं पी, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं आर वन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये होगी आर थ्री, और ये टू चार्ज तक की हो जाएगी आर टू, ये हो जाएगी मेरी आर फोर। अब इस पी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपल चार्जेस, तो कैसे निकालोगे, अगेन कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने वेक्टर सम लेना है किसका किसका, इसकी वजह से जो फील्ड होगा, मान लो इसकी वजह से फील्ड है E1, तो E1 प्लस कौन सा दूसरा फील्ड, ये सपोज कितना है E2, ये E2 फील्ड है, प्लस ये तीसरा चार्ज की वजह से E3, प्लस ये फोर्थ चार्ज है हमारा E4। अगेन सम कैसा होना चाहिए, वेक्टर सम होना चाहिए, इसके भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे वहां पर इसका एप्लीकेशन एग्जैक्टली कैसे होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलिज्म समझ लो आप, क्योंकि ज्यादा डीप में जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, सो वी आर जस्ट ओनली टेकिंग द फॉर्मुलिज्म, एंड देन क्वेश्चंस की बात होगी तो वहां पर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको आगे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, टू और थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला ही, ये फिक्स है, और ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। यहां से क्वेश्चन एक 100% आएगा ही आएगा, चाहे वो दो नंबर का भी हो सकता है और थ्री मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो अब पहले हम ये समझ लेते हैं ये इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर मैं दो चार्जेस ले लूं जिनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो,
ठीक है, बट इनका नेचर अपोजिट होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि साइन एक का अगर नेगेटिव है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। और अगर ये दोनों चार्जेस किसी एक सेपरेशन से सेपरेट किए गए हैं, लेट अस सपोज दैट सेपरेशन इज 2L, देन अगर ये 2L हमारा बहुत कम सेपरेशन है तो उतना ही आइडियल डायपोल होगा ये। तो ये जो आप देख रहे हो अरेंजमेंट, देख रहे हो किसका अरेंजमेंट, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो अरेंजमेंट है, यही हमारा क्या है, दैट अरेंजमेंट इज नॉन एज, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड डायपोल, ठीक है, इसको ही हम डायपोल बोलते हैं, क्लियर। अब ये जितना ज्यादा छोटा होगा, मतलब ये डायपोल जितना स्मॉल होगा उतना ही आइडियल होगा, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो हम बात करने वाले हैं, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि डायपोल इज आइडियल, मींस दैट सेपरेशन इज क्वाइट स्मॉल, ये बहुत स्मॉल सेपरेशन है, ठीक है। तो आइडियल डायपोल की ही बात करेंगे हम। तो अब इसमें से क्वेश्चंस क्या बनेगा, अभी तो ये तो देखो डायपोल पढ़ा आपने सिर्फ, अब यहां पर एक डायपोल मोमेंट भी होता है, तो डायपोल मोमेंट को भी मैं डिफाइन कर देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे फील्ड कैलकुलेट करने में। तो डायपोल मोमेंट है क्या, ये आप जानते हो अगर आपने पढ़ा होगा, तो डायपोल मोमेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज ले लो, चाहे प्लस चाहे माइनस, कंडीशन क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड लेना, ओनली साइन नहीं लेना आपने, मैग्नीट्यूड लेना है, मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन दीज चार्जेस, क्लियर। मतलब ये दो चार्जेस हैं, इनका किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का सेम है तो कोई सा चार्ज ले सकते हैं, साइन तो लेना नहीं है, और इनके बीच का जो भी सेपरेशन है इसका अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है इट मींस इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो जो डायरेक्शन है बाय कन्वेंशन हमने जो डायरेक्शन ली हुई है वो क्या है, माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये आप वेक्टर फॉर्मेशन से कैलकुलेट भी कर सकते हो, पता भी लगा सकते हो क्यों होती है माइनस से प्लस, बट क्योंकि ज्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, सो दैट इज वाइज वी आर जस्ट कंसिडरिंग, वी आर जस्ट एज्यूमिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस डायपोल इज माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, राइट। तो अब हम इस डायपोल के कॉन्सेप्ट पर बेसिस दो तीन जो हमारे तरह तरह के कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको पढ़ेंगे और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मैं यहाँ पर जो है वो दोनों ही आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बताएंगे कैलकुलेट करेंगे, वो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होगा मेरा वो होगा एक्सियल पॉइंट। अब ये एक्सियल पॉइंट क्या है उसको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमें यहां पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, क्योंकि डायपोल में चार्जेस है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, ठीक है। तो अब यहां पर दो कॉन्फ़िगरेशन है, वैसे तो तीन कॉन्फ़िगरेशन है, एक तो हमारा हो गया एक्सियल पॉइंट, एक तो पॉइंट हो जाएगा मेरा एक्सियल, दूसरा हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है मेरा जनरल पॉइंट, ठीक है, जनरल पॉइंट। तो ये जो है जनरल पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये दोनों हम यहां पर डील करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्सियल पॉइंट क्या है हमारा, तो लेट अस सपोज कि ये हमारा एक डायपोल है, ये हमारा डायपोल है। सबसे पहले हम एक्सियल डील कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सियल पॉइंट के लिए, ठीक है। ये हमारा डायपोल है, इसमें माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और इस डायपोल की जो लेंथ है सपोज ये 2L है। अब एक्सियल पॉइंट क्या होगा कि इस डायपोल की एक्सिस पर कहीं भी ये पॉइंट अगर लाई कर रहा है, मे बी कि ये पॉइंट इधर कहीं एक्सिस पर लाई कर सकता है, मे बी ये पॉइंट कहीं इधर कहीं एक्सिस पर लाई कर सकता है, ठीक है। तो सपोज कि ये हमारा जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ लाई कर रहा है, एंड दैट पॉइंट इज सपोज पी, जो कि इसके मिड पॉइंट से, ये मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ,
इसके मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, लेट इट इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट एंड दैट मिड पॉइंट सपोज आई एम टेकिंग ओ, तो ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इस डायपोल की वजह से यहां पर नेट फील्ड निकालना है, तो नेट फील्ड कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। आपके पास दो चार्जेस है, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई दो चार्जेस है, एक चार्ज की वजह से तो आप फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेकिन यहां पे दो चार्जेस हैं तो मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इससे पहले अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्जेस की वजह से जो फील्ड निकले वो कैसे आएगा, एक तो फील्ड आएगा हमारा माइनस क्यू की वजह से। अब माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स द माइनस चार्ज, मींस जो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आएगा मेरा इस डायरेक्शन में, ये है मेरा माइनस क्यू की वजह से। और जो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, ये अवे फ्रॉम दिस चार्ज, मींस ये होगा मेरा प्लस क्यू, ठीक है, क्लियर है। तो ये माइनस क्यू की वजह से फील्ड हो गया उसी की तरफ, और प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड हो गया वो चार्ज से अवे, लाइक यहां से दूर दूर की तरफ होगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज कैलकुलेट करना है, और आपको पता है कि भाई ये दोनों जो हमारे फील्ड्स हैं ये एक पॉइंट पर हैं, तो इनका वेक्टर सम लेना पड़ेगा। अब क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, एक में से दूसरा माइनस कर दो वही वेक्टर सम हो जाएगा, बिकॉज इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या आएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सभी ने, क्या होगा, E प्लस इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, अब यहां से देखो डिस्टेंस कितनी है, ये अगर ये डिस्टेंस हमारी यहां से यहां तक कितनी है R, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बिकॉज ये मिड पॉइंट है तो ये L हो गया, इधर भी ये L हो गया, तो इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी R माइनस L, ये कितनी हो जाएगी R माइनस L। अच्छा माइनस क्यू चार्ज से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी R प्लस L, बिकॉज यहां तक R है तो इसमें क्या होगा L ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगी R प्लस L, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड। देन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस क्यू इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, कितनी डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये हो जाएगी आर प्लस एल, तो टोटल हो जाएगी आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहां पर जो आर है वो आर माइनस एल हो गया, यहां पर जो आर है वो कितना हो गया आर प्लस एल हो गया, ठीक है। अब नेट फील्ड अगर हम देखते हैं कहां पर, इस पॉइंट पी पर, तो कितना आएगा, ये ई जो आएगा हमारा नेट, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ई प्लस चार्ज की वजह से और ई माइनस चार्ज की वजह से। अब क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं तो वेक्टर सम क्या होगा, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे ई नेट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ई। अब देखो यहां पर आपने करना क्या है कि भाई देखो वैल्यू कौन सी ज्यादा है, ये प्लस क्यू की वजह से ज्यादा होगा या फिर माइनस क्यू की वजह से फील्ड ज्यादा होगा, ये देखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये डिस्टेंस क्या है, कम है, और अगर डिस्टेंस कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका फील्ड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, प्लस क्यू चार्ज माइनस ई माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब ई प्लस क्यू हमें पता है कितना है, ई प्लस क्यू ये रहा के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर टू, और ये हो जाएगा मेरा के क्यू, तो मैं कॉमन ले लूंगा दोनों में से,
यहाँ पर क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस, इसको भी ओपन कर दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू पावर टू। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखो ये जब मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या होगा, ये आर स्क्वायर निगेटिव हो गया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये एल स्क्वायर पॉजिटिव है, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस टू आर एल है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस टू आर एल, और यहां पर प्लस टू आर एल, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास आने वाला है फॉर्मूला वो क्या आने वाला है, के क्यू अपॉन के क्यू इंटू प्लस फोर आर एल, तो प्लस नहीं लगा रहा मैं, सिंपल आर फोर आर एल लिख रहा हूं यहां पर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास ई। ठीक है, अब इसको हम कैसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो इधर मैं रफ कर देता हूं, ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूं। अब इसको किस तरह से मॉडिफाई करना है आपने, देखिए यहां पर E इज इक्वल्स टू क्या है, K Q इंटू फोर आर एल, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं K इंटू Q इंटू टू एल, ठीक है, और इंटू टू आर मैंने कर दिया अलग, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर टू। अब ये जो टर्म है ये क्या है, ये है मेरा डायपोल मूवमेंट, Q इंटू टूएल क्या है, ये डायपोल मूवमेंट है, तो अल्टीमेटली जो E आने वाला है वो क्या है, K इंटू पी, पी इज डायपोल मूवमेंट, दिस Q इंटू टूएल क्या है, Q इंटू टूएल अभी डिफाइन किया था इससे पहले वाले टॉपिक में, वो P है डायपोल मूवमेंट, इट इज अबाउट डायपोल मूवमेंट, ये डायपोल मूवमेंट है, राइट, तो K इंटू पी इंटू टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर टू, ये हो गया मेरा फॉर्मूला, राइट। अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, पूरे के पूरे हमारे कोर्स में ये अजम्पशन है, ये डायपोल जो है वो कैसा है, आइडियल डायपोल है, इट मीन्स ये लेंथ जो है ये बहुत छोटी होगी, ये बहुत कम सेपरेशन होगा, और अगर ये सेपरेशन कम होगा तो फिर क्या केस बनेगा, देखो जरा, अगर ये सेपरेशन कम होगा तो किस तरह का केस बनेगा उसको समझ लो ध्यान से। सो हाँ जी, तो अगर ये सेपरेशन बहुत कम है, मींस कि जो डायपोल लेंथ है मेरी ये बहुत कम है, आई मीन एल जो है इट इज वेरी लेस फ्रॉम आर, देन क्या होगा, जो एल स्क्वायर होगा ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा किससे, आर स्क्वायर से, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म में से ये आर स्क्वायर जो है और ये एल स्क्वायर है इसको कंपेयर करेंगे तो ये एल स्क्वायर क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, इट इज ऑलमोस्ट जीरो इफ आई कंपेयर विद आर स्क्वायर, क्लियर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल्स टू के पी इंटू टू आर अपॉन आर स्क्वायर का पावर फोर, क्योंकि आर स्क्वायर ये है और इसका पावर टू, तो आर आर फोर हो जाएगा ये, और यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा आपके पास, K P इंटू टू, तो टू मैं आगे लिख देता हूं यहां पर, और ये बचेगा आर क्यू, तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आया हमारे पास वो क्या आया, टू के पी अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, किसके लिए, फॉर आइडियल डायपोल। आइडियल डायपोल क्या है, अभी बताई दिया था कि बहुत स्मॉल डायपोल है, वो हमारा डायपोल जो होगा वो कैसा होगा, आइडियल डायपोल होगा, राइट। अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखी लिखनी होगी, क्योंकि भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, देखिए अभी मैंने यहां पर जो डायग्राम बनाया था डायपोल का, उससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पर मैंने ये पॉइंट कंसिडर जो किया था, इस पर क्या था, E प्लस तो था इस डायरेक्शन में, ये था E प्लस क्यू, और E माइनस था इस डायरेक्शन में,
ई माइनस क्यू था वो इस डायरेक्शन में था, और ये जो मैंने फाइनली कैलकुलेट किया है ये इसमें से माइनस करके कैलकुलेट किया है, इट मींस जो वैल्यू ये आ रही है वो ई प्लस क्यू का पार्ट है। क्लियर? तो अगर ये ई प्लस क्यू का पार्ट है इट मींस इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द ई प्लस क्यू। सो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई डायपोल मोमेंट हमारा किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग द डायपोल मोमेंट, अलोंग द डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो जो वेक्टर फॉर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, ई इज इक्वल्स टू 2k p वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये p के ऊपर ही वेक्टर मैंने लगा दिया बिकॉज उसी के अलोंग डायरेक्शन है, तो आपको जो है डायरेक्टली कोई अनदर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, सीधा p के ऊपर लग जाएगा और ये हमारी होगी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टोरियल फॉर्म में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। फाइन,